सुप्रभात डॉक्टर रफीक जकेरिया पद्मश्री मैडम फातिमा रफीक जकेरिया के आशीषों के साथ आज हम मौलाना आजाद कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय औरंगाबाद आप सभी सम्माननीय महानुभावों का स्वागत करता है। आज के व्याख्यान माला के सम्माननीय अध्यक्ष प्रधानाचार्य डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी सर, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर बारी सर, प्रमुख व्याख्याता डॉक्टर दीपा कुचेकर मैडम, तकनीकी समिति के प्रोफेसर आरिफ पठान सर और सुल्तान सर, आर्काइव कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अदिति भट्टाचार्य मैम, अध्यापकगण, छात्र एवं छात्राएं, विद्वत्त सुधीजनों का शब्द सुनो से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के प्रस्तावित के लिए मैं सम्माननीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम का प्रस्तावित करें। सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, गुड मॉर्निंग। आज के इस व्याख्यानमाला के प्रमुख अतिथि डॉक्टर दीपक कुचेकर मैडम, वाइस प्रिंसिपल बारी सर, एकक कोऑर्डिनेटर, नेक कोऑर्डिनेटर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम सदस्य और प्यारे विद्यार्थी जन, आप जानते हैं कि नाटक हमारी प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, दर्पण वही दिखलाता है जो समाज में घटित हो रहा है। तत्कालीन समय की समस्याओं को खुलकर प्रजा और राजा के सामने रखने का ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करता रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय नाटकों ने जन जागृति की अहम भूमिका निभाई और वर्तमान समय में भी यह समस्याओं और भविष्य में आने वाले खतरों से आगाह कर रहा है। साहित्य जगत में जब विमर्शों का दौर चला तो महिला विमर्श पूरी सशक्तता के साथ सामने आया। साहित्य के जगत में जब महिला लेखिकाओं ने कदम रखा तो कथा, कविताएं, उपन्यास, आत्मकथा जैसी विधाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नाटक जैसी जटिल माने जाने वाली विधा में स्वतंत्र पूर्व कुछ महिला नाटककार दिखाई देते हैं, किंतु स्वतंत्रता के बाद पूरी सशक्तता के साथ अपनी सोच, अपनी अभिव्यक्ति, अनुभूति, वेदना और संवेदना से पुरुष का एकाधिकार क्षेत्र के रूप में माने जाने वाली क्षेत्र का चुनौती दे रही है। महिलाओं ने नाटक, लघु नाटक, रेडियो नाटक, टेलीविजन नाटक, नुक्कड़ नाटक, बाल नाटक, एकांकी आदि सभी प्रकारों में लेखन किया है। इतना ही नहीं तो नाट्य लेखन से लेकर नाट्य अनुवाद, नाट्य रूपांतर, नाट्यलोचन, अभिनय, निर्देशन, प्रकाश योजना, संगीत योजना, नेपथ्य तथा नाट्य प्रशिक्षण में व्यापक योगदान दिया है। मैं समझता हूं कि आज का ये जो लेक्चर रहेगा ये इन सभी प्रकारों पर तवील प्रकाश डालेगा और हम सभी को इसकी जो है तो हासिल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। प्रधानाचार्य जी के सारगर्भित प्रास्ताविक के बाद अब बारी आती है अतिथि के परिचय की। आज के प्रमुख अतिथि वक्ता डॉक्टर दीपा कुचेकर मैडम, इनकी शिक्षा एमए, बीएड, एमफिल, पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। इनका शिक्षा विभाग में प्रदीर्घ कार्य रहा है। सन 2000 से लेके अब तक
कनिष्ठ और वरिष्ठ महाविद्यालय में ये कार्यरत रही है। यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षण संस्था की ये समन्त्रक रूप में भी कार्यरत रही है और आज भी कार्य कर रही है। इसी के साथ साथ हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए महाराष्ट्र हिंदी साहित्य परिषद की ओर से औरंगाबाद और नासिक जिला की प्रतिनिधि कार्यकर्ता के रूप में ये कार्यरत है। मैडम ने नाटक पर बहुत ही गहरा अध्ययन किया है और नाटक को लेकर उनकी काफी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें पहली पुस्तक है कुसुम कुमार का नाट्य साहित्य। उनकी दूसरी पुस्तक का नाम है हिंदी नाट्य साहित्य में महिला रचनाकारों का योगदान। उनकी तीसरी पुस्तक है प्रतिशोध यौन शोषणाचा, मूल हिंदी दलित कहानियों का इन्होंने मराठी अनुवाद किया है। इनके कुछ ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी विविध विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई, राजश्री शाहू महाराज स्वायत्त महाविद्यालय लातूर में हिंदी नाट्य साहित्य में महिला रचनाकारों का योगदान, ये ग्रंथ स्नातक और स्नातकोत्तर पदवी के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में लगा हुआ है। मैडम आज कर्मवीर आबासाहेब तथा नाम सोनोने कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय सटाना नासिक में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत है। अब श्रोता और वक्ता के बीच में अधिक समय न लेते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर दीपा कुचेकर मैडम से कहूंगी कि आज के हमारे व्याख्यान माला का जो पुष्प है हिंदी महिला नाटक का, इस पुष्प को गूंथने का कार्य कर हमें अपने विचारों से लाभान्वित कीजिए। सम्माननीय दीपा कुचेकर मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मौलाना आजाद कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय औरंगाबाद के मैडम आवाज नहीं आ रही है जी, अनम्यूट कीजिए मैडम। किया है मैंने, अनम्यूट किया है अपने आप जी। आ रही है अभी मैडम? आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है जी। चलिए, मौलाना आजाद कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय। मैडम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, मैसेज आ रहा है। हाँ जी जी जी, स्वागत है मैडम आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना आजाद कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद के इस व्याख्यान माला में सर्वप्रथम आदरणीय रफीक जकीरिया सर तथा पद्मश्री फातिमा जकीरिया मैडम जी, जिन्होंने इस महाविद्यालय को खड़ा किया, मैं उन्हें नमन करती हूँ। साथ ही इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यावाचस्पति मजर अहमद फारूकी सर जी, साथ ही उप प्रधानाचार्य विद्यावाचस्पति बारी सर जी, आज के व्याख्यान की संयोजक विद्यावाचस्पति शेख अफरोज फातिमा जी और उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर नमन। आप सभी को प्रणाम कर मैं अपने विषय की ओर मुड़ती हूँ। मेरा जो विषय है आज का वह है हिंदी की जो महिला नाटककार है उनको लेकर है। ये तो विषय वैसा बहुत विस्तृत ऐसा विषय है कि ये जो साहित्य विधाएं हिंदी साहित्य की हो, मराठी की हो, उर्दू की हो, अंग्रेजी की हो, ये अब सीमित नहीं रही है। इसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। साहित्य विधा अनेक रूपों में विकसित हुई है, फिर चाहे वो कविता रहने दीजिएगा, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा वर्णन या फिर नाटक ही क्यों ना। पहले ये जो सारी विधाएं थी ये बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि इसका एक छोटा सा रूप हमारे सम्मुख था, लेकिन बाद में ये विस्तार पाती रही है।
फिर चाहे कविता हो, तो कविता में हम देखते हैं रीतिबद्ध कवि है, कविताएं हैं, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त से होते हुए आज हम हाइकू तक का परिवर्तित रूप देखते हैं। कहानी में भी वही रूप है, लघु कहानी, अकहानी, सचेत कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, जनचेतनावादी कहानी, और आज हम साठोत्तरी कहानी का एक अलग सा रूप, बिल्कुल जिसे दो पंक्तियों में भी कथा पूर्ण होती है, ऐसी लघु कथाएं भी हम देख रहे हैं। उपन्यास का रूप भी यही है, फिर उसमें अलग अलग विषयों को लेकर लिखा गया है, कुछ मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखे गए हैं, जैसे जयेंद्र कुमार जी की उपन्यास है, अज्ञे जी की उपन्यास है, तो कुछ फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे हुए आंचलिक उपन्यास भी हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक, राजनीति, आर्थिक, धार्मिक सभी समस्याओं का अंकन इन विधाओं में हमें देखने को मिलता है। इसी दृष्टि से आज की जो एक विधा है नाटक, यह विधा, इसके ऊपर आज मैं विशेष रूप से महिलाओं ने जो कार्य किया है उसको लेकर अपनी बात रखने वाली हूं। वैसे कहा जाता है आधुनिक युग जो 1857 से अब तक चल रहा है, इस कालखंड के साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल तथा छायावादोत्तर काल के रूप में भी हम विभाजित करते हैं। महिला नाट्य लेखन देखते समय मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रधान आचार्य जी ने बड़े विस्तार से महिलाओं ने जो काम किया है, यानी मात्र नाट्य लेखन से नहीं बल्कि उनका नाट्य सृजन है, उनका निर्देशन है, इतना ही नहीं तो बेगम कुदसिया जैसी महिला नाटककार ने थिएटर की स्थापना भी की है, अभिनय किया है, यानी नाटक का वह क्षेत्र जिसमें महिला कहीं नहीं है, जो पहले मात्र केंद्र में नाटक के रहा करती थी, आज वो नाटक के, यानी जिसे हम कहते हैं कि लक्ष्मण दीप्ति लेखन का जो काम है वो भी महिला करती हुई नजर आती है। तो इस दृष्टि से विस्तार पाता हुआ ये महिलाओं का कार्य आज आपके सम्मुख आ रहा है। महिला नाट्य लेखन देखते समय इस आधुनिक काल को हम नाटक की दृष्टि से दो खंडों में विभाजित करके देखते हैं। वैसे तो साहित्य सृजन में ये तो भेद नहीं होना चाहिए, जिसको हम आदि आबादी कहते हैं जो महिलाओं की है, लेकिन फिर भी ये में भेद नहीं है, महिलाओं का जो कार्य है उसको यहाँ पर आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। स्वातंत्र पूर्व कालखंड जो रहा है 1857 से 1950 तक वो हम देखते हैं, और स्वातंत्रोत्तर जो काल है वो 1950 से अब तक इसे देखते हैं। इस कालखंड में हिंदी नाट्य साहित्य का जो सूत्रपात माना जाता है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग सन 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, और इस कालखंड में अन्य जो नाटककार रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेम घन, गोपाल राम गहमई, अंबिका दत्त व्यास आदि नाटककार रहे हैं, इन्होंने उस समय की जो सामाजिक स्थितियां थी, कोई भी साहित्य हमें पढ़ना है तो हमें उस साहित्य के परिवेश को पढ़ना होता है, फिर वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, इन सभी परिवेश को केंद्र में रखकर साहित्यकार साहित्य सृजन करता है, और वो उसके साहित्य में हमें अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इस दृष्टि से इन साहित्यकारों ने पौराणिक, प्रेम कथा प्रधान, समसामायिक समस्या, प्रतीक नाट्य धारा, ऐतिहासिक, लोकधर्मी और साथ ही साथ अनुवाद का काम भी उस समय किया हुआ है। भारतेंदु ने जो है, हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी ऐसे कई नाटक लिखे, इतना ही नहीं तो उस समय नाटकों के अनुवाद कर उसे मंच के ऊपर प्रस्तुत करने का काम भारतेंदु जी ने किया हुआ है। नाटक मात्र लिखित रूप में जो हमारे सम्मुख होता है वो नाट्यालेख है, लेकिन जब वो मंच के ऊपर नायक नायिका द्वारा अपने भावों से, अपनी भंगिमाओं से लेखक ने, नाटककार ने लिए हुए संवेदनात्मक विषयों को अभिव्यक्ति देकर प्रस्तुत करता है, तब जाकर नाटक पूर्ण होता है, नाटक कहलाता है, अन्यथा वह
मुद्रित माध्यम में मात्र नाट्यालेख कहलाता है, नाट्य मंचन विधा है। सभी विधाओं में विशेष है नाटक, क्योंकि ये मंचित होता है और इस जिसे कहते हैं ना हम कि हर चीज की एक अपनी जान होती है, दर्शक श्रोता इसकी जान होती है और उस दृष्टि से नाटकों को समृद्ध करने का काम जैसे भारतेंदु युग से हम देखते हैं पुरुषों ने किया है, उसी रूप में निश्चित रूप में महिलाओं का योगदान भी सराहनीय रहा है। भारतीय भाषाओं में महिलाओं ने नाट्य लेखन किया है, बड़ी विशेषता है। मात्र हिंदी का ही नहीं, मराठी में भी महिलाओं ने नाट्य लेखन किया है। 1951 में मुक्ताबाई दीक्षित का जुगार और अवलिया नामक नाटक जो है प्रथम था देखने को मिले। मराठी की महिला नाटककार हो, उसमें कुमुदिनी रांगणेकर है, आनंदीबाई किर्लोस्कर है, मालती बेड़ेकर हो या फिर ज्योति महापसेकर जी हो, ये महिलाएं समय के अनुसार नाट्य सृजन करती हुई नजर आती है। गुजराती में धीरूबेन पटेल, लीलावती मुंशी, श्रीमती हंसा मेहता जैसी कई महिला नाटककार हमें प्राप्त होती है। तो ड्रामा निगार खातून के रूप में एक बड़ी सुंदर सी किताब हाथ लगी थी और उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि महिलाओं ने जो नाट्य लेखन उर्दू में किया है वह काबिले तारीफ है। उसका श्रेय बेगम कुदसिया जैदी, इस्मत चुंगताई, प्रोफेसर जाहिदा जैदी, प्रोफेसर साजिदा जैदी, बेगम अजीमुन्निसा, आमीना नाजली, ऐसी कई महिला नाटककार उर्दू में भी हमें देखने को मिलती है। तो बांग्ला में तृप्ति मित्रा जैसी महिला नाटककार देखने को मिलती है। हिंदी नाट्य साहित्य की जब हम बात करेंगे तो उसमें मैंने दो कालखंड कहे हैं, एक है स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर कालखंड। स्वतंत्रता पूर्व कालखंड में जब भारतेंदु नाट्य लेखन कर रहे थे, उनकी अपनी भारतेंदु नाट्य मंडली थी, वो स्वयं नाटक खेलते थे और बहुत ही बढ़िया ऐसा नाटक के विकास क्रम में भारतेंदु का योगदान देखने को मिलता है। उस समय जब भारतेंदु ये सारे काम कर रहे थे, न जाने क्यों महिलाओं का जो काम रहा है वो हर विधा में है। विशेष रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में मात्र एक महिला का नाम हम सभी और देखते हैं और वो है कवियत्री के रूप में संत मीराबाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहां से शुरुआत महिला साहित्यकारों की हम देखते हैं, किंतु निश्चित रूप में नाटक के क्षेत्र में 1896 में श्रीमती लाली देवी ने गोपीचंद नाटक लिखा था जो जैन यंत्रालय लखनऊ से प्रकाशित भी हुआ था। बहुत सुंदर सी ऐसी उस नाटक की कथा वस्तु भी रही है जो सामाजिक प्रश्न, उस समय द्विभार्या पद्धति थी, दो पत्नी करने की प्रथा थी और उस रूप में फिर वो दो स्त्रियां एक घर में किस रूप में रहती हैं और उनकी आपस में जो समझदारी है, हर चीज की साझेदारी जो है, बड़ी खूबी से वहां पर लाली देवी ने उसे अभिव्यक्त किया हुआ दिखाई देता है। वो गोपीचंद नाटक यानी भारतेंदु काल से ही महिला नाट्य सृजन करती रही है। न जाने क्यों साहित्यकारों की, इतिहासकारों की दृष्टि से वो कहीं हाशिए पर रही है, लेकिन बाद में जैसे जैसे संदर्भ उपलब्ध होते गए वैसे वैसे इतिहास ग्रंथों में इन महिलाओं का योगदान देखने को मिलता है। उसी समय कुदसिया जैदी जी का जानहार यह नाटक मिलता है जो सन 1900 में प्रकाशित है। देहाती महिला का अबला की आह सन 1930 में प्रकाशित है। श्रीमती तारा मित्रा का देवयानी 1933 में प्रकाशित है। श्रीमती अनुरूपा देवी का कुमारिल भट्ट ये जो नाटक है सन 1934 में प्रकाशित। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक वैशिष्ट्य रहा है कि हमें जो कुछ महिला नाटककार मिलती है, उपलब्ध होती है, वो स्वतंत्रोत्तर कालखंड की महिला के रूप में देखने को मिलती है। उसमें भी कुछ गिने चुने चार पांच नाम देखने को मिलते हैं, जैसे डॉक्टर कंचनलता सब्बरवाल है, विमला रैना है, त्रिपुरारी शर्मा है। ये जो कुछ नाम है इसके
अलावा भी अन्य नाम उपलब्ध होते हैं स्वातंत्रोत्तर कालखंड में। डॉक्टर कंचनलता सब्बरवाल की एक विशेषता रही है, इन्होंने स्वातंत्र पूर्व और स्वातंत्रोत्तर कालखंड दोनों भी कालखंड में इनके नाटक प्रकाशित हमें मिलते हैं। लीला अवस्थी है, विमला रैना है, ये स्वातंत्रोत्तर कालखंड में विशेष रूप से उल्लेखित महिला हमें नाटककार के रूप में प्राप्त होती है। अब जो कुछ इन नाट्य सृजन इन महिलाओं ने किया हुआ है, उन नाटकों के जो स्रोत रहे हैं, उनकी कथा वस्तु के जो स्रोत रहे हैं, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो महिलाओं ने जो नाट्य सृजन किया है वो ऐतिहासिक पौराणिक कथा वस्तु को लेकर लिखा हुआ है, लिखे हुए नाटक है, साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक परिवेश को लेकर कथा वस्तु को लेकर भी नाटक लिखे हुए देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक पौराणिक नाटकों में हम कंचनलता सब्बरवाल की अमिया है, अनंता है, लक्ष्मीबाई है, इन नाटकों को देखते हैं। अब समय समय के अनुसार नाटक की कथा वस्तुएं, उसकी समस्याएं, उसके पात्र, उसका शैलीगत जो रूप है वो सारा परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। शुरुआती दौर में जो नाटक लिखे गए, महिलाओं ने जो नाटक लिखे हैं, किसी भी भाषा में रहने दीजिएगा, मैंने मराठी के पढ़े हुए नाटक हैं, हिंदी के पढ़े हैं, जिन जिन भाषाओं को हम समझते हैं, कुछ अनुदित होकर नाटक आए हैं उनको पढ़ा है, तो स्पष्ट होता है कि मात्र अपनी महिला मंडलियों में खेले जाने के लिए, महाविद्यालयों में खेले जाने के लिए नाटक लिखे जाते रहे हैं, और उस दृष्टि से महिलाओं ने कथा वस्तु चुनकर वैसे नाटक लिखे हैं। लेकिन बाद में यह विस्तार एक बड़ा सा कैनवास के ऊपर हमें देखने को मिलता है। उस दृष्टि से ये सभी महिला नाटककार, आगे चलकर जो वर्तमान समय की महिला नाटककार है उनके संदर्भ में बात करने वाली हूँ, उस दृष्टि से भी हम देखेंगे। लेकिन ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टिकोण से शारदा मिश्रा का आमेर की सरस्वती बहुत सुंदर नाटक है, जो अकबर जोधाबाई के विवाह को लेकर और जजिया जो कर था वो माफ करने की दृष्टि से जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसको आधार बनाकर शारदा मिश्रा ने आमेर की सरस्वती यह नाटक लिखा हुआ है। डॉक्टर सरोज बिसारिया ने नगरेशु कांची और साथ ही साथ वर्तमान समय में हम मीरा कान को सभी जानते हैं, बहुत उत्कृष्ट ऐसे साहित्यकार नाटककार के रूप में मीरा कान का नाम आता है। उनका कंधे पर बैठा था शाप, श्रेयते न तू दृश्यते, मेघ प्रश्न नेपथ्य राग, हुमा को उड़ जाने दो, ये सारे नाटक ऐतिहासिक पौराणिक कथा वस्तु को लेकर लिखे गए हैं। कंधे पर बैठा था शाप, ये कालिदास और उनकी पत्नी विद्वत्तमा को लेकर जो एक छोटी सी घटना है उसको आधार बनाकर लिखा गया है कि कालिदास मूढ़मती थे जिसे हम निर्बुद्ध कहते हैं, और पत्नी जो थी वो ज्ञान संपन्न थी, और उन्होंने विवाह के पश्चात पति के उस रूप को देखकर उन्हें मूढ़मती कह दिया और कालिदास घर का त्याग कर निकल गए, काली की आराधना की ऐसा कहा जाता है। और फिर जिसे हम संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटककार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे लिखने वाला नाटककार इस रूप में जानते हैं वो कालिदास है। और उस कालिदास के जीवन में आया हुआ परिवर्तन और उनकी पत्नी ने दिया हुआ शाप, उसके आधार पर यह नाटक मेरा कान में लिखा हुआ है। कालिदास बहुत चर्चित हो जाते हैं, बहुत सारी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, बड़े चर्चित होते हैं, वापस घर लौट आते हैं तो पत्नी बड़ी खुश हो जाती है और पति का फिर स्वीकार करना चाहती है, लेकिन पति वहां पर कह देता है, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैं काली से कालिदास बन गया हूं, और इस दृष्टि से तुम मेरी गुरु हो और गुरु के साथ पत्नी धर्म निभाया नहीं जा सकता। और उस समय विद्वत्तमा बड़ी परेशान हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती है, वो कालिदास के लिए तड़पती रहती है, उसके प्रति जो स्नेह है वो अपनापन है उसको वो पा नहीं सकती है, और कालिदास पत्नी का त्याग कर देते हैं। और उस समय पत्नी कहती है कि प्रेम की विरह में
जो तड़प रही होगी उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये कंधे पर बैठा हुआ शाप नाटक इस रूप में हमें देखने को मिलता है। कालिदास निकल पड़ते हैं, सिंहलदीप चले जाते हैं अपने दोस्त के पास। वहां पर किसी गणिका के घर रुकते हैं। गणिका उन्हें अत्याधिक स्नेह करती है और वहीं पर उसी गणिका के हाथों से, क्योंकि वो गणिका है आज की भाषा में जिसे हम वेश्या कहते हैं, उस समय गणिका कहा जाता, तो उसी के हाथों से जो उनके लिए तड़पती रहती है, उन्हें पाना चाहती है, एक पंक्ति सिंहल द्वीप के राजा ने लिखकर उसके घर में रख छोड़ी है। वो उसे शर्त लगाते हैं कि तू इसे पूरा करती है तो मैं तुझसे ब्याह कर लूंगा, चाहे तू गणिका क्यों ना हो। लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती है। उस राजा को मालूम है उस पंक्ति को मात्र उनके दोस्त कालिदास ही पूरा कर सकते हैं। कालिदास वहां पहुंचते हैं, कालिदास उस पंक्ति को पूर्ण करते हैं, लेकिन उस गणिका की चाह कालिदास से ब्याह करने की, सॉरी राजा से ब्याह करने की, वो मन में तड़प उठती है। और ये बात कहीं राजा तक ना पहुंच जाए और राजा से उसका ब्याह हो जाए, इसलिए कालिदास को विष देकर मार देती है। लेकिन राजा जानता है उस पंक्ति को मात्र कालिदास ही पूर्ण कर सकते हैं। उन्हें कहीं से गुनगुना लग जाता है कि कालिदास उस नगर में आए हुए हैं। वो ढूंढते ढूंढते आते हैं और उस समय ये जो स्त्री है वो कहती है कि मैंने काव्य पंक्ति पूरी की है। राजा कहता है हो ही नहीं सकता है, और फिर वो सारा खुलासा हो जाता है। कालिदास वहीं पड़े हुए मिलते हैं, उसे उठाकर दोस्त सिंहल नरेश चले जाते हैं। ना राजा का प्यार मिलता है, ना राजा से ब्याह होता है। ऐसी सुंदर सी घटना को लेकर, ये ऐतिहासिक पौराणिक घटना का संदर्भ लेकर मेरा काम ने नाटक लिखा है। इनके सभी नाटक इसी रूप में है। जो नेपथ्य राग है, तो खना जैसी विदुषी जो खगोल शास्त्र है उसके ऊपर लिखा हुआ नाटक है। तो सुंदर सी अभिव्यक्ति हुमा को उड़ जाने दो, हुमायूं के जीवन को लेकर लिखा हुआ नाटक। सारी रचनाएं बहुत उत्कृष्ट है। सामाजिक राजनीतिक नाटकों को लेकर भी श्रीमती लाली देवी का गोपीचंद नाटक है, मन्नू भंडारी का बिना दीवारों का घर है, मृदुला गर्ग का एक और अजनबी है। तो ऐसी ही नाटक का रात्रि पुरानी शर्मा है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं विभा रानी है, डॉक्टर कुसुम कुमार है, नादिरा जहीर बब्बर, इनका सकुबाई सुमन और सना, जी जैसी आपकी मर्जी, अनेक समस्याओं को लेकर इन महिलाओं ने नाटक लिखे हैं। फिर चाहे वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाने वाली स्त्री रहने दीजिएगा, या घर में काम करने वाली नौकरानी जो घर पर आती है वो सकुबाई के रूप में रहने दीजिएगा, या धार्मिक रूप में जो कुछ बवाल उठते हैं, आगजनी होती है, उन सब को रेखांकित करता हुआ सना और सुमन और सना यह नाटक भी हमें देखने को मिलता है। कुसुम कुमार के नाटक इसी रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ओम क्रांति क्रांति शिक्षा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, उसको लेकर अभिव्यक्त करता है। संस्कार को नमस्कार में एक महिला आश्रम का एक पुरुष अधिकारी किस रूप में गलत इस्तेमाल करता है उसका अभिव्यक्त मिलती है। तो दिल्ली ऊंचा सुनती है में लाल फीता शाही को हम देखते हैं, इंसान चक्कर काटते काटते अपनी पेंशन के लिए मर जाता है और उसके मरने के बाद पेंशन प्राप्त होती है। ये जो वर्तमान स्थिति है उसका अंकन दिल्ली ऊंचा सुनती है में देखने को मिलता है। इन महिलाओं ने जो नाटक लिखे हैं उसमें जो संवेदनाएं हैं, विभार्या है, विधवाओं की समस्याएं हैं, स्वाभिमान की समस्या, स्वाभिमान का चित्रण बहुत सुंदर आका है कुसुम कुमारी जी ने। सुनो शेफाली नाटक में एक दलित लड़की शिष्यवृत्ति देने से इनकार कर देती है और दीक्षित जैसा एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति बेटे का विवाह वोट बटोरने के लिए उस दलित लड़की से करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उस ब्याह से इनकार कर देती है। इतनी स्वाभिमानी लड़की का अंकन सुनो शेफाली नाटक में देखने को मिलता है। लिंग परीक्षण की, लिंग भेद की कई समस्याएं उत्पन्न होती है और उससे जो स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, बच्चियों की संख्या कम हो रही है, उसको भी सब यहाँ पर नादिरा बब्बर ने अपने नाटकों में उतारा हुआ दिखाई देता है। शिक्षा जगत की संवेदनाएं, युवा पीढ़ी की दिशाहीनता,
लश्कर चौक में देखने को मिलती है, जो कुसुम कुमार का नाटक है, और मीरा कांत का है काली बर्फ। कश्मीर के प्रश्न को लेकर सुंदर सी रचना लिखी हुई है। नारी उद्धार के आड़ में नारियों का शोषण, भ्रष्टाचार, प्रशासन, कानून, औद्योगिकरण, बाल श्रमिक, जादू का कालीन, मृदुला गर्ग की रचना है, बहुत सुंदर है। और उनकी और एक रचना याद आई है, बहुत उत्कृष्ट है, एक और अजनबी। तो कौन है, नाटक को पढ़ने के बाद पता चलता है, बहुत उत्कृष्ट नाटक है। इन महिलाओं ने ये पूर्णांक नाटक तो लिखे ही है। अब पूर्णांक नाटक क्या है, पहले नाटक 5 दिन 5 रातें निरंतर रूप से चलते थे। आपाधापी की जिंदगी बढ़ती गई, हम इतने गतिशील हुए कि हमारे पास समय नहीं रहा। 5 दिनों का नाटक 3 दिन पर आ गया, और 3 दिन का नाटक 3 घंटे पे आ गया, और 3 घंटे का नाटक आज हम लघु नाटक या एकांकिकी के रूप में 20 से 45 मिनट तक जो खेला जाता है, उस रूप में हम लघु नाटक एकांकी के रूप में नाटकों का, जो मैंने पहले बताया विधाओं का जो विस्तार किस रूप में हुआ है, उस दृष्टि से हम देख रहे हैं। जो 3-3, 5 घंटे 5 दिन तक नाटक चलते थे, 5 घंटे पर, 5 घंटे से 3 घंटे पर, 3 घंटे से फिर उसमें परिवर्तन हुआ है शैली के अंतर्गत, पात्र संख्या कम हो गई, कथा विस्तार जो था वो संक्षिप्त हो गया, और फिर प्रस्तुतिकरण के माध्यम भी परिवर्तित हुए। अब रेडियो के माध्यम से भी, दूरदर्शन के माध्यम से, ये जो सारे सीरियल चलते हैं दूरदर्शन के, ये नाटक के रूप ही है, जो सीरियल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। रेडियो नाटक है, रेडियो एकांकी है, रूपक है, इस दृष्टि से ये विकासात्मक रूप हमें देखने को मिलता है। इसमें भी महिला नाटककार सक्रिय देखने को मिल रही है। आधुनिक काल की दृष्टि से विकसित ये जो लघु नाटक है या एकांकी है, ये महत्वपूर्ण विधा के रूप में सामने आई है। नाट्यशाला में इसका रूप संस्कृत से हमें मिलता है, जो भान है, प्रसन्न है, विधि है, अंक है, रूपक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भले ही हमारे यहाँ संस्कृत में ये नाट्य विधा थी, लेकिन इसका जो मूल उगम जो है हमारे यहाँ संस्कृत में है, लेकिन ऐसा माना गया है कि पाश्चात्य देशों में जो कर्टन रेजर नाटक शुरू होने से पहले प्रमुख अतिथि आने तक लोग एकत्रित होकर बैठते थे, तो फिर उनके मनोरंजन के लिए क्या, तो एक हाथ छोटा सा नाटक कोई खेला जाता था। लेकिन एक नाटक ऐसा खेला जो सन 1903 में लंदन में वेस्टर्न एंड थिएटर में लुई इन पार्कर ने W.W. जेकब की लघु कथा थी, जिसका शीर्षक था दी मंकीज पा, बंदर का पंजा। इसको प्रस्तुत किया गया, और ये इसकी प्रस्तुति नाटकीय तत्वों से इतनी आकर्षक, इतनी महत्वपूर्ण रही कि प्रमुख अतिथि आने तक ये नाटक जो खेला गया, ये छोटा सा नाटक, वो खत्म हो गया, और अतिथि आ गए, और लोगों को लगा कि नाटक उसकी प्रस्तुति में इतनी आकर्षकता थी, नाटकीय तत्व इतना भरा हुआ था कि लोग आधे से ऊपर उठकर चले गए, उनको लगा नाटक हो गया, जबकि नाटक पूरा खेलना बाकी था। और तब से फिर ये जिसे कहा जाता है पटोलो तोलन अर्थात कर्टन लेजर, फिर बाद में यहाँ पर वो एकांकी लघु नाटक के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी में इस रूप में महिलाओं ने इस नाट्य लेखन को बहुत समृद्ध किया हुआ है। अनेक विधाओं में यह सक्रिय हुई नाटक के ही क्षेत्र में। एकांकी जो 6ठे दशक के मध्य में हिंदी रंगमंच का जो नए सिरे से विकास हुआ है, उस विकास में इन सभी महिलाओं का योगदान रहा है। नाटक और एकांकी में फर्क है, नाटक विस्तृत कथानक 3 घंटे का होता है, अंक विधान होते हैं, दृश्य विधान होते हैं। एकांकी में कम से कम इसमें पात्र होते हैं, सीमित कथा वस्तु होती है, अधिक मनोरंजक ये नाटक होते हैं। 20 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच पढ़ना या देखा जा सकता है, ऐसा इसका रूप होता है। इसमें उच्च कोटि की अनुवृत्ति और संक्षिप्तता की विशेषता देखने को मिलती है।
और इस दृष्टि से आगे चलकर नाटक कला का रूप जो है विकसित होकर कई चरणों से गुजरकर गतिशील बना हुआ है। इसमें लघु नाटक, एकांकी, गीति नाट्य, रेडियो एकांकी, रेडियो रूपक, दूरदर्शन नाटक तथा एक बड़ा सा हिस्सा बाल नाटकों का यह विकसित होता हुआ दिखाई देता है। एकांकी के रूप में जो है कमलिनी मेहता, शांति मेहरोत्रा, विमला रुत्रा, विमला रैना, शैल रस्तोगी, ऐसी कई महिला सृजन करती है जिन्होंने एकांकी का सृजन किया है। और इस दृष्टि से ये बहुत विस्तार से लिया जाने वाला विषय है, लेकिन बहुत कम समय में संक्षिप्त रूप में इसे मैं रख रही हूं। ये नाट्य विधा बहुत समृद्ध ऐसे रही है। महिलाओं ने मात्र नाट्य सृजन नहीं किया है, साथ ही साथ विशेष उल्लेखनीय बात यह रही है कि ये स्वयं अभिनय करती रही है। इन्होंने अपनी नाट्य मंडली स्थापन की है, जैसे नादिरा जहीर बब्बर की एकजुट संस्था है, त्रिपुरारी शर्मा जी की है, साथ ही साथ जो थिएटर चलाए गए हैं उस थिएटर में इन महिलाओं ने मात्र थिएटर की स्थापना नहीं की है, बल्कि वहां पर कार्यशालाएं चलती है, स्वयं अभिनय करती है और नाटक के लिए आवश्यक ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा, केशभूषा, मेकअप और जिसे हम कहते हैं साज सज्जा अर्थात स्टेज प्रॉपर्टी, इन सब में महिला सक्रिय दिखाई देती है। इस दृष्टि से महिलाओं का ये जो नाट्य साहित्य में योगदान है वह काबिले तारीफ है, कम है लेकिन महत्वपूर्ण है। इन्हें अनदेखा करके हम नहीं चल सकते हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में इन महिलाओं का योगदान सर्वश्रेष्ठ मेरी दृष्टि से रहा है। आज इन महिला नाटककारों ने उस ऊंचाइयों को छुआ है जहां पर इतिहास ग्रंथों में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे इस आभासी दुनिया के माध्यम से जोड़कर सभी महानुभावों ने सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं मौलाना आजाद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, संयोजक डॉक्टर शेख मैडम और बाकी सभी जो इस संगोष्ठी इस व्याख्यान से जुड़े और सभी छात्र, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। नाटक जैसे जटिल विषय को आपने बड़ी ही गहनता से प्रस्तुत किया है, क्योंकि नाटक को लेकर आपके लगभग 40 आलेख विविध पत्र पत्रिकाएं में प्रकाशित हो चुके हैं। इस पर से ही आपका नाटक को लेकर लगाव और उसकी अध्ययनशीलता दिखाई देती है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने नाटक जैसे इस विधा में, पुरुषी एकाधिकार माने जाने वाली इस विधा में लेखन कर चुनौतीपूर्ण कार्य किया। और केवल नाटक लेखन ही नहीं, तो नाटक मंचन, निर्देशन, नाट्य रूपांतरण, ये सभी जो रंगमंच को लेकर जुड़ी हुई चीजें रहती है, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपना जौहर दिखाया। नाटक विधा में भी हम जब देखते हैं तो बाल नाट्य है, रेडियो नाटक है, उसी के साथ साथ एकांकी है, दूरदर्शन नाटक है और ऐसी कई नाटक की अनेक बारीकियां और उसकी विविधता हमें नाटक के क्षेत्र में दिखाई देती है। और लगभग इन सभी क्षेत्रों में महिला नाटककारों ने कम ही सही लेकिन एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में अपनी वहां पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाई है कि ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है कि जहां पर उन्होंने लेखन नहीं किया है। और इन सभी क्षेत्रों को डॉक्टर दीपा कुचेकर मैडम ने बड़े ही सरलता से हिंदी की महिला नाटककार इस विषय के अंतर्गत बहुत ही अच्छे ढंग से
हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकगण को अपने विचार द्वारा उन्होंने लाभान्वित किया। इसीलिए समूचे महाविद्यालय की ओर से मैं मैडम के आभार ज्ञापन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी जो हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे उप प्रधानाचार्य बारी सर जो समय समय पर हमारा हौसला बुलंद करते हैं, उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ। तकनीकी समिति के बिना ये कार्य असंभव था कि दूरस्थ मार्ग से अतिथि व्याख्यान का जो मतलब जो सहयोग मिला, उसके लिए पूरी तकनीकी कमिटी की में भी मैं आभारी हूँ। हमारे व्याख्यान माला के विद्वत अध्यापकगण, छात्र एवं छात्राएं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से इस व्याख्यान माला के लिए जिन सभी महानुभावों का सहयोग मिला, उन सभी महानुभावों के प्रति मैं आभारी हूँ। अध्यक्ष की ओर से आज के व्याख्यान माला की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। जय हिंद।